है करना हैं? हाँ ऐसे कर बस साफ देखो गंदी हो रही है। हाँ साफ कर लूंगी इसको। ये लगेगी यहाँ पे बस एक कील ठोक दो। भूख लग रही है, भूख लग रही है। शाम ने यहाँ पे ये टांगी है कि जब भी मैं इसे बजाऊंगा तो मतलब है यहाँ लगा दी हमने, बहुत दिनों से रखी थी। भूख लग रही शानू है। अरे ये कौन सा तरीका? अरे ऐसे नहीं बजाते हैं। अब तुम जाओ, हम अपने आप दे देंगे बाबा यहाँ से। कामों को अगर हम बोझ समझकर करेंगे ना तो वो कभी भी उनको करने में ना मन नहीं लगेगा। तो हमेशा जब हमें ही करने हैं क्यों ना उनको खुश होके करें, इंजॉय करें। और उसी तरह से अपना घर किचन सब रखें कि वहाँ पर खड़े होके काम करना भी ना अच्छा लगे। मुझे अपनी किचन बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरा बहुत मन भी लगता है काम करने में। हाँ लेकिन ये बात भी है कि इसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं तो हमें सब काम बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म करने चाहिए ताकि हम और सारे कामों पर भी फोकस कर सकें। तो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जो भी चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ अपने कामों को करने के लिए वो सब आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो आज भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ ऐसी ही चीज़ें जो मुझे अच्छी लगी या कुछ उसमें से ख़राब लगी। ये है एक झाड़ू यानी कि ब्रूम जो कि स्कॉच ब्राइट की है और नो डस्ट ब्रूम है। पहली चीज़ कोई भी ये प्रमोशनल वीडियो नहीं है, सारी चीज़ें मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ। ये दो पार्ट में आती है और ये प्लास्टिक की बनी हुई होती है और दोनों पार्ट्स को ऐड कर देते हैं तो तैयार हो जाती है हमारी एक नई झाड़ू। जो हम अब तक इस्तेमाल करते आए हैं उसमें बहुत डस्ट निकलती है लेकिन ये बिल्कुल रेडी टू यूज़ होती है। इसको आप चाहे कितना भी मतलब फटकारें इसमें बिल्कुल भी डस्ट नहीं निकलती है और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और इसे मैं काफ़ी महीनों से इस्तेमाल कर रही हूँ। तो अब आप जो हैं अगर रेगुलर झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी जगह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए ये है मेरी पुरानी वाली स्क्रॉच ब्राइट की, सेम मैंने ऑनलाइन ही मंगाई थी ये। और ये है नई वाली, थोड़ी सी पुरानी वाली थोड़ी सी फूल गई है अदरवाइज़ वो अभी भी चलेगी। और मैं एक ये लेकर और आई थी जब मुझे दूसरी चाहिए थी। ये वैसे तो अच्छी है, सब सही है लेकिन जो इसकी हाइट है ना वो बहुत ही ज़्यादा छोटी है। ये भी प्लास्टिक की ही है और छोटा होने की वजह से जब इसको यूज़ करते हैं ना तो बहुत ही अनकन्वीनियंट अनईजी सा होता है। मैं नहीं यूज़ कर पाती इसको बिल्कुल भी, तो ये मेरे लिए बिल्कुल किसी भी काम नहीं आई। तो अगर आप सोच रहे हैं नई ब्रूम झाड़ू खरीदने की तो आप इस तरह से ये प्लास्टिक वाली ले सकते हैं, बहुत बढ़िया ये चलेगी। और ऐसा नहीं है कि इनसे कूड़ा नहीं निकलता है, बहुत बढ़िया तरह से इससे कूड़ा या छोटा छोटा भी जो डस्ट होती है वो निकल जाती है। सिंक में या बाथरूम की जो हमारी जाली होती है उसमें ज़्यादातर गंदगी, बाल, बहुत सारी गंदगी भर जाती है जो कि जिससे कि नाली हमारी चौक हो जाती है। तो ये आते हैं सिंक फिल्टर, बहुत ही सही रहते हैं। इसे आप किचन सिंक में, नालियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें बारीक छेद होते हैं जिससे पानी निकल जाता है और जो भी बाल होते हैं या जो भी गंदगी होती है नॉर्मली वो इसी में फंस जाती है। ये बिल्कुल अच्छी तरीके से चिपकती नहीं है। ये सिंक की जाली के ऊपर या किसी भी जाली के ऊपर सिर्फ हम रख सकते हैं। और ये भी एक बहुत काम वाली चीज़ है। ये 4 का सेट आता है, मेरे पास ये 3 हैं। I told myself that maybe he ain't worth it. Too bad I hate advice. ये है एक मेटल की वॉल शेल्फ जिसके साथ आता है एक एडहेसिव की स्ट्रिप यानी कि आप जो हैं इसे दीवार पे बगैर ड्रिल किए लगा सकते हैं, बहुत अच्छी रहती हैं। आप इसे किचन में, बाथरूम में या अपने ड्रेसिंग एरिया के पास यानी जहाँ कहीं भी आपको ज़रूरत हो आप लगा सकते हैं। तो इसके साथ जो एडहेसिव होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। तो मैंने इसे सिंक के पास लगाने का डिसाइड किया। तो इसके पीछे एक स्टिकर होता है, पहले उसको हटाना पड़ता है और बहुत बहुत अच्छी तरह से ये चिपक जाती है। मैंने पहले भी इसको सिंक के पास लगा रखा था, नई किचन में मैंने इसको लगाया है। और फिर देखिए इसके बाद हम क्या करते हैं, 24 घंटे तक इस पर सामान नहीं रखते हैं। और देखिए इसमें मैंने ये फंसा दिया है, लेकिन हुआ क्या, मुझे ये जो है ना सिंक में इस एरिया पे नहीं रखनी थी, दूसरी जगह मुझे इसे लगाना था, तो इसलिए मैंने क्या किया, इसको यहाँ से हटा के दूसरी जगह चिपकाया। आप ऐसा मत करना, एक बार ही डिसाइड कर लेना कि ये कहाँ लगनी है और वहीं लगा लेना, अच्छी रहती है। मैंने थोड़ा सा इसे उल्टा लगा दिया, यानी जो पीछे वाला साइड था वो मुझे आगे करना है। ये एक बढ़िया चीज़ है जिसे आप यूज़ कर सकते हो। ब्रेड और बटर रखने की जो है मेरे पास कंटेनर्स हैं, ये तो पुराना है जो कि मैंने वेस्ट साइड से 2 साल पहले लिया था। इसी में मैं ब्रेड रख के अपने जो है फ्रिज में रख देती हूँ, अच्छी रहती हैं, मतलब वो कड़ी नहीं होती हैं। और ये है बटर रखने का एक कंटेनर जो कि मैंने नया लिया, सिरेमिक का बना हुआ है। ये पहले भी मेरे पास था लेकिन वो ख़राब हो गया था जब हमारा सामान इस घर में आया था, तो इसलिए मैंने ये नया लिया है। और दोनों को ही मैं अच्छे से यूज़ करती हूँ, खूब यूज़ होने वाली ये चीज़ें हैं। ये है देखिए क्लीनिंग स्पॉन्ज। नॉर्मली हम क्या करते हैं, जो हरे रंग का एक जूना होता है बर्तन धोने के लिए, उसका यूज़ करते हैं। कुछ दिनों में वो ख़राब हो जाता है बहुत ही, और वो जो है फिर हमें फेंकना ही पड़ता है। तो मैंने इसीलिए सोचा कि चलो एक नया ट्राई करते हैं। ये मैंने सेकेंड टाइम मंगाया है, इससे पहले भी मेरे पास ये एक था। ये एक्चुअली इसमें जो पीछे ना फोम लगी रहती है, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है। और ऊपर के साइड में जो इसमें स्क्रब करने के लिए दाने लगे रहते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं। और इसे सबसे अच्छा है आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग कट कर सकते हैं, जितना बड़ा आपको इसे यूज़ करना है। और जैसे नॉर्मली हम जो स्टील के बर्तन वगैरह जो साफ़ करते हैं बहुत ज़्यादा, वो जो स्टील का जूना होता है उससे क्लीन करते हैं। और लेकिन वो तो चाहिए ही, देखिए इसकी ज़रूरत तो पड़ती ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर हम इसे स्टील की कढ़ाइयों पे या बर्तनों पे रगड़ते हैं तो उसके मार्क्स आ जाते हैं, स्क्रैचेस आ जाते हैं। तो मैंने इससे मैं धोती हूँ तो बिल्कुल साफ़ हो जाती हैं कढ़ाइयाँ। और रेगुलर मैं इसका यूज़ करती हूँ तो मेरी कढ़ाइयाँ, कुकर हमेशा साफ़ रहते हैं। तो बिल्कुल अच्छी सी चीज़ है ये, आप इसे ट्राई कर सकते हैं। मैं इसको ही यूज़ करती हूँ और इसे आप किचन में नहीं, बाहर भी क्लीनिंग के लिए कहीं पे इसको यूज़ कर सकते हैं। बाथरूम के टैप्स वगैरह क्लीन करने के लिए नॉर्मली मैं पुरानी टूथब्रश का इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन वो बहुत ज़्यादा उससे क्लीनिंग नहीं हो पाती है, क्योंकि जो टैप्स होते हैं, नल होते हैं, या बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहाँ बहुत ज़्यादा जोर लगा के बढ़िया तरह से सफाई की ज़रूरत पड़ती है। तो ये एक फ्लैक्सिबल ब्रश है, बहुत अच्छा है ये भी, और इसे मैं बाथरूम में ही यूज़ करती हूँ। अलग दोनों बाथरूम के लिए मैंने ले रखी हैं ये, और इससे बिल्कुल बढ़िया तरह से कोने कोने साफ़ हो जाते हैं, आसानी से मुड़ जाती है ये, बिल्कुल किसी भी तरीके से इसको मोड़ लो। तो ये भी मुझे घर के लिए एक अच्छी चीज़ लगी, ज़रूरी चीज़ लगी, और मतलब एक अच्छी ड्यूरेबल चीज़ है, आप इसको ले सकते हैं। खाना बनाते टाइम उसे ढकने की ज़रूरत तो हमेशा ही पड़ती है, और डाइनिंग टेबल पे भी जब हम कुछ रखते हैं तो हमें ढकने के लिए कोई लिड चाहिए होती है। तो देखिए ये कुछ लिड हैं जो सिलिकन की हैं, और ये जो हैं IKEA से मैंने ली हैं। एक्चुअली मैंने अमेज़ॉन से ली हैं, लेकिन अगर आप IKEA की वेबसाइट से लेंगे तो ये और सस्ती मिलेंगी। एक अच्छा ब्रांड है ये। इनके संग खास बात ये है कि ये एक तो ये 3 साइज़ में आती हैं, आपके नॉर्मली हर तरीके के चीज़ों को ये कवर कर देती हैं, बर्तनों को। और ये ना सक्शन टाइप की है, मतलब ये सक्शन है, जैसे कि आप इसे जब दबा देते हैं ना तो ये बर्तन के साथ जो है उठ जाती है। ये मुझे बड़ी बढ़िया चीज़ लगी। मैंने पानी भरा इसमें जैसे, और ऊपर से दबा के जब इसको उठाया तो ये उठ जाती है, लेकिन आप ट्राई मत करना, जब बहुत ही हल्की सी चीज़ होती है वो तो इसमें उठ जाती है, लेकिन थोड़ी भारी चीज़ को ट्राई मत करना। मैंने भी ट्राई नहीं किया, मुझे इनकी क्वालिटी अच्छी लगी। वैसे तो बहुत सारे सिमिलर आइटम्स जो हैं अवेलेबल हैं, लेकिन मुझे ये इसलिए अच्छे लगे कि आप इसे डाइनिंग टेबल पे भी यूज़ कर सकते हैं अगर गेस्ट आते हैं तो ये एक अच्छा आइटम है। बस हाँ, थोड़ा सा मुझे ये महंगा लगा, थोड़ा क्या थोड़ा ज़्यादा ही मुझे ये महंगा लगा। छोटी किचन हो तो सामान रखने के लिए चाहिए कुछ ना कुछ रैक्स। तो मैंने ये मंगाई थी काफ़ी पहले, मेटल और वुड की रैक मंगाई थी। मतलब बहुत सारी छोटी छोटी सी चीज़ें जो हैं काउंटर टॉप पे रखने की बजाय शेल्फ, इस पे रैक पे रख लो तो मतलब सुंदर भी लगती है किचन। ये मेटल की और वुड की बनी हुई है। बेसिकली इसमें आप अपने आलू प्याज भी रख सकते हैं, फल रख सकते हैं, और अगर किचन का छोटा मोटा सामान है ना तो उसको तो रखा जा सकता है। मैं इसमें जितने भी मेरे नाइफ्स होते हैं या छोटी मोटी जो मेरी चीज़ें होती हैं जिनको मैं किचन में यूज़ करती हूँ, जो मुझे एकदम साथ के साथ चाहिए, हैंडी रहें जो चीज़ें, वो मैं इसमें रख देती हूँ और सजा के भी रखती हूँ। खाने में मैं अलग अलग तरीके के नमक इस्तेमाल करती हूँ, तो उनको कभी ड्रॉर्स में, कभी अलमीरा में रखना पड़ता है, निकालना बड़ा अनकन्वीनियंट सा रहता था, बहुत टाइम लगता था। तो मैंने क्या किया, एक अलग से एक और मैंने मसाला डिब्बा मंगाया। ये वुडन है और इसमें ऊपर ग्लास लगा हुआ है, और एक ये छोटा तो मेरे पास है। ये मुझे थोड़ा सा महंगा लगा था, लेकिन हाँ फंक्शनल तो है, लेकिन हाँ ये महंगा है थोड़ा सा, तो इसलिए मैं सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप इसको लो। तो मैंने जो ये वाला लिया है इसमें सारे नमक रहते हैं, और वैसे भी नमक को मेटल में रखते हैं तो जंग लगने का डर रहता है। इसमें रहता है हिमालयन पिंक सॉल्ट, जो कि पिसा हुआ भी मैं लेती हूँ, दानेदार भी रहता है। इसका क्रशर है जिसमें इसको मैं घिस लेती हूँ। ये है वो नमक जो मैं खुद बनाती हूँ, इसका वीडियो भी है चैनल पर। इसमें मसाले मिले हुए रहते हैं, सब्जी के टेस्ट को बहुत बढ़ा देता है। ये है काला नमक जो कि रायते में हमेशा डलता है, और ये है सेंधा नमक, जो नॉर्मल नमक भी यूज़ करती हूँ मैं, और मैं सेंधा नमक भी यूज़ करती हूँ। तो नॉर्मल नमक तो दूसरे डिब्बे में रहता है, सेंधा नमक इसमें रहता है, तो इसलिए ये मुझे अच्छा लगा। सारे अगर आप भी अलग अलग तरीके की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं ना, तो इस तरीके का आप वुडन जो है मसाला बॉक्स ले सकते हैं। कांच की जो बोल्स होती हैं, कटोरी होती हैं, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये मैं लोकल शॉप से लेकर आई जहाँ मुझे बहुत सस्ती पड़ी। ऑनलाइन ये काफ़ी महंगी है, करीब दुगने दाम पे मुझे लगी, इसीलिए इसका प्राइस मैंने आपको नहीं दिया है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी सी ये ग्लास की बोल्स हैं, ये बोरोसिल की हैं। मुझे ये इतनी पसंद आई थी देखते ही साथ कि मैंने इनको ले लिया था। तो अगर आप मतलब किसी को खाने पर बुला रहे हैं तो गेस्ट को सर्व करने के लिए बहुत ही अच्छी हैं। एक तो इसमें जो भी खाना रखेंगे ना वो बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा, इसलिए मुझे बहुत अच्छी लगी। ये 6 का सेट है, और मैंने जैसा कि आपको बताया आप लोकल शॉप पे इसको ट्राई करिएगा, वहाँ आपको काफ़ी सस्ती मिल जाएंगी, और ये मुझे पसंद आई थी इसलिए मैंने ली। तो अगर आप बोल्स ढूंढ रहे हैं तो इस तरीके की ग्लास बोल्स आप ले सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट है, सस्ती हैं, काफ़ी सस्ती हैं। ये शायद अंडर 300 रुपीज़ में ये थी पूरा 6 का सेट। ये है एक जग जो कि ग्लास जग, जो कि मैंने काफ़ी पहले लिया था, आप लोगों ने काफ़ी पूछा था इसके बारे में। रिव्यू देती हूँ, इसका हैंडल कुछ ही दिनों में यूज़ करने के बाद अचानक से निकल गया, पता नहीं किस तरह से। और इसके साथ जो ये 2 ग्लासेस और आए थे, मुझे इसलिए अच्छा लगा था कि पानी पीने के लिए 2 सिमिलर इसके साथ ग्लासेस हैं, और उसमें ऊपर लिड भी है ढकने के लिए। तो मैं इसमें अब तो अपने चिया सीड्स वगैरह भिगो देती हूँ कभी, और अब तो शानू ने इसमें अपनी कैंडीज़ रख ली हैं। सजेस्ट करती हूँ इसे मत लीजिएगा, खासकर वो जग जिसका पकड़ने का हिस्सा काफ़ी पतला हो। और जब किचन में काम करें तो टूल्स तो चाहिए ही ना, तो मुझे तो बहुत जल्दी जल्दी काम करने की वैसे ही आदत है। तो कुछ नए टूल्स मैंने लिए थे, वो भी आपके साथ जो है शेयर करती हूँ। एक ये सीज़र है, कैंची है, जिससे कि आप काफ़ी सारी चीज़ें कट कर सकते हैं, जैसे धनिया है, बीन्स हैं जो पतली पतली होती हैं। अभी मैंने इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है, अभी रखी हुई है, रिव्यू आपको दूंगी। और अगर आपने इसको यूज़ किया है तो ज़रूर आप लोग मुझे इसका रिव्यू अपने कमेंट्स में बताइएगा। और एक देखिए ये फनल है, बहुत अच्छी मुझे लगी, कई सारे साइज़ की हमें लेनी पड़ती हैं, लेकिन ये क्या होती है मतलब बड़े आराम से आप इसको किसी भी साइज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये बड़े काम की चीज़ होती है। तो अलग अलग साइज़ की हमें फनल नहीं रखनी पड़ती हैं, तो इसलिए ये मुझे अच्छी लगी। तो ये 2-3 किचन के टूल्स भी हो गए, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही काम में आने वाली हैं। सीज़र का आप ज़रूर से मुझे एक रिव्यू दीजिएगा, क्योंकि मैंने इससे अभी सिर्फ धनिया काटा है, जो कि बहुत ज़्यादा मुझे मतलब हैंडी नहीं लगा इसको यूज़ करना। उससे अच्छा तो मैं चॉपिंग बोर्ड में ही इसको कट कर लेती हूँ। अब देखती हूँ बीन्स वगैरह कट करने के बाद ये कैसी निकलती है, फिर आपके साथ इसका रिव्यू ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये हो गया एक ऐसा वीडियो जिसमें शेयर किया मैंने अपना एक्सपीरियंस, और काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें आपको बताई। कैसी लगी आपको ये सारी चीज़ें ज़रूर बताना, और पसंद आए ना तो दोस्तों लाइक ज़रूर करना। तो फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।